आ रहा हूँ मैं। देख पास्ता बन चुका है, रेडी हो रहा, थोड़ा सा हो गया, 5 मिनट हो जाते मोमो में, देख स्टीम होने वाले, बस 10 मिनट हो लगेंगे। 10 मिनट आज इन लोगों की डिमांड थी कि बाहर चलो खाना खाने, तो भाई ने बोला घर में बनाएंगे मोमो, क्योंकि आज हमें होम मेड मोमो पास्ता खाने के लिए मिल चुका है, क्योंकि आज दोनों शेफ लोग हमारे घर पे ही है। बहुत अच्छा हो रहा है पास्ता, इट्स सो डिलीशियस यार, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आना चाहिए यह घर में, अब तो ये रेस्टोरेंट है पक्का। लो भाई तुम्हारे डिमांड पे जोर मोमो भी आ गए तुम्हारे लिए। इसको आपको कैसा लग रहा है? ये भी बोल रही है अच्छा है, बल अच्छा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप पूर्वोत्तरा फैमिली के ब्लॉग में। तो आज जब मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा हूँ, मैं कनाडा में होगी रात की बल्कि 8 तो मैं बनाऊँ आज बच्चों की खातर पासपोर्ट, तो ये थोड़ा सा मिनी ब्लॉग बोलो पास्ता बनाऊँ मैं। तो सब भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, सबसे पहले जो हमारे व्यूअर थे वॉच करता, जो हमारा ब्लॉग देखता रोहतरा फैमिली के। आज कुटुंबदारी साथ में पूरी फैमिली है, तो आज सब लोग घर पे है, पहली बार सारे लोग घर पे, नहीं तो कभी कोई आगे पीछे होती रहती, छुट्टियां चेंज होती थी, पर आज सबके साथ में छुट्टी है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी आइटम बनाता हूँ घर में, उन्होंने क्या बनाना, मैंने मोमोज बनाता हूँ, तो मैंने थोड़ा सा मोमोज बनाया, थोड़ा सा बच्चों के लिए बनाया मैंने पास्ता। तो ब्लॉग बहुत देर में स्टार्ट हो, देखा आप भी देख सकता मोमोज बनाए मेरे बहुत बढ़िया। अरे जो हमारे एक भाई है ना अपने नेपाल के राजन लामिसा में, तो वो मेरे भाई है, बड़े भाई भी है और दोस्त भी है, तो वो लाए इस पोखरा के, तो मेरे को नेपाल से स्पेशल लेके आए, तो मेरे को तो मोमोज की जो स्टीमर लाए थे। और पास्ता देखो हमारा पास्ता ये बच्चों के लिए व्हाइट पास्ता बनाया है। तो आज साथ में हमारी बेटी प्रिया, तो प्रिया बनी है आज मेरे साथ कैमरा मैन, रोहतरा फैमिली कैमरा मैन प्रिया बेटी बनी है साथ में, बैक ऑफ द कैमरा, बैक ऑफ द कैमरा मैन हमारी प्रिया बेटी है। तो टाइम की बात करूं मैं तो टाइम अभी हो गया यहाँ पे शाम के 8 बज चुके हैं, तो अंधेरा बाहर का वेदर दिखाता हूँ आपको, तरह से काफी अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा रही है, तो ये है मौसम इस तरह से। और सब लोग यहाँ पे ना रात की 8 बज चुकी है, कोई लोग खाना खा रहा होगा, कोई सो रहे, क्योंकि हम लोग थोड़ा रेस्टोरेंट वाले हैं, तो रेस्टोरेंट वाले को टाइमिंग तो लेट ही होता है, रात के 11-12 बजे हमारा टाइम होता है सोने का, 1 बजे आते हैं रात के सोते सोते। तो चाचा बन गया पास्ता, सारे बच्चे रेडी है खाने के। पास्ता तो बना रहा हूँ, देख पास्ता बन चुका है, रेडी हो गया, थोड़ा सा हो गया, 5 मिनट हो जाते मोमो में, देख स्टीम होने वाले, बस 10 मिनट हो लगेंगे, 10 मोमो में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। पास्ता बन गया, पास्ता का लंगर लगा देते हैं बाहर, लाजी लगा दो लंगर यहाँ पे, बिठा दो सबको लाइन में, यहाँ नहीं जोर क्या, पास्ता बन गया। चाचा जी बोलो कुछ, आप भी आपके पी रहे। आज गाइस घर में बन रहे हमारे स्पेशल मोमो, भाई बना रहे बड़े भाई घर के मोमो और पास्ता। आज इन लोगों की डिमांड थी कि बाहर चलो खाना खाने, तो भाई ने बोला घर में बनाएंगे मोमो, क्योंकि बाहर थोड़ा थोड़ा बना, भाई ने आज घर में बना दिया जबरदस्त मोमो भाभी की डिमांड पे और रेनू की डिमांड पे। हम तो जाते चाची और काम मोमो वगैरह कम खाते हैं, पर कोई पुड़ेगा तो भी टेस्ट जरूर करेंगे। कल भाई बना रहे, रेडी हो गए प्रिया? हाँ जी रेडी हो गया, पास्ता रेडी हो गया, मोमोज अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बस वेट कर रहे हैं, इंतजार में है। तो गाइस पास्ता फाइनली बन के रेडी हो चुका है, थोड़ा बच्चे लोगों की राय लेते हैं, बच्चों को कैसा, देखो बबलू कैसा लग रहा है पास्ता? गंदा। ओए बबलू को गंदा लग रहा, आपको कैसा लग रहा है बबली? गंदा। अबे गंदा बोल रहे हैं लोग सब, अरे बहुत अच्छा हो रहा है पास्ता, इट्स सो डिलीशियस यार, आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आना चाहिए, बहुत ही टेस्टी है। मम्मी और बनाते हैं रेड सॉस पास्ता जो अच्छा होता है, पर व्हाइट सॉस भी मेरे को अच्छे लगते हैं, वो बहुत ही डिलीशियस होता है। थैंक यू पापा सो मच, एक नंबर का पास्ता बनाया है। व्हाइट सॉस पास्ता यहाँ घर पे ज्यादा बनता नहीं है, रेड सॉस ही बनता है, चाची रेड सॉस बनाते हैं, लेकिन व्हाइट सॉस आज घर पे बड़ा बना और बहुत मस्त हो रहा है। अभी हम खाएंगे, अभी हमने तो खाए नहीं गाइस, हम खाएंगे मोमो बना रहे भाई, मोमो रेडी नहीं है, वैसे बच्चों को पास्ता खा रहे, कहानी कैसा है? अच्छा अच्छा है, पर बबलू और बबली को अच्छा है? बबली नहीं। अच्छा नहीं है तो खा, अच्छा अब बोल दे बबलू ने अच्छा है, कैसा है? अच्छा गाइस अभी इन्होंने बोल दिया, फाइनली इन लोगों को भी अच्छा हो गया है। आइए इसको आपको कैसा लग रहा है? ये भी बोल रही है अच्छा है, बल अच्छा है, गुड। तो दोस्तों बच्चों लोगों को तो मजा आ गया पास्ता मोमो खा के, मैं बच्चों लोगों की पास्ता खाया, अब है बड़े लोगों की बारी, इनको पूछते हैं इनकी राय पूछते हैं, आज भाई ने किस तरह से आज मोमो और पास्ता बनाया, ये लोग रेस्टोरेंट में जाने की जिद कर रहे थे ना, तो भाई ने बोला कि मैं आज घर में बनाता हूँ, तो इनकी राय पूछते हैं आप लोगों को कैसा लगा भाई। ये देखो इधर मजे से खा रहे ये लोग, ये देखो भाभी कैसा है, जबरदस्त। रेनू कैसा लगा? बहुत टेस्टी, अच्छा हुआ गाइस आज हम रेस्टोरेंट में जाने की जिद कर रहे थे लेकिन अच्छा नहीं गया, आज हमें होममेड मोमोज पास्ता खाने के लिए मिल चुका है, क्योंकि आज दोनों शेफ लोग हमारे घर पे ही हैं।
हाँ तो कैसा लगा फिर? मजा आ गया ना? रेस्टोरेंट में तो खाना था रेस्टोरेंट फेल हो गया ना आज, क्योंकि रेस्टोरेंट में खाना था हमारी बड़ी फैमिली के साथ, $300-400 अपने वहाँ खर्च करके आने थे, तो घर में जी भर के भी खा लिया, मजा भी आ गया, पेट भर गया। रेस्टोरेंट में थोड़ा लिमिटेड होता है, इतना नहीं खाते, घर में देखो जी भर के पास्ता बना है, देखो पास्ता, मोमो, चटनी, दो तरह की चटनी, ये देखो स्पेशल प्याज टमाटर की चटनी, स्पेशल चिल्ली वाली चटनी, ये वाली है प्याज और टमाटर की बनी है मस्त वाली चटनी। अब ये लोग खा रहे हैं, इन लोग आज हम लोग मैं सर्विस कर रहा हूँ, भाई अंदर किचन में बना रहे, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं, आज रेस्ट है इनका, फुल डे खा रहे आज, बस खाओ जो रेस्टोरेंट में खाना था वो घर में खिला दिया, ठीक है प्रिया? इतने खा लिया, प्लेट खाली हो गई, प्रिया ने तो दबा के खा लिया आज है प्रियांशी। तो गाइस द मेन पर्पस ऑफ दिस वाज शेफ अंदर से बोल रहा है अभी झोल मोमोज भी आ रहे हैं, झोल भाई नेपाल हम ये लोग जाते हैं मोमो खाने, नेपाल ऑफिस, नेपाल स्पाइस रेस्टोरेंट है यहाँ पे, काफी अच्छे मोमो होते हैं उनके, बट हम तो सब लोग हैं तो हम भी मोमो अच्छे बना ले, सब कुछ बना लेते हैं हम, जो भी घर में खाना, पर इन लोगों को रेस्टोरेंट में जाने का शौक होता है, इसलिए हम लोग इनको हर कुछ घर में खिला सकते हैं। तो ये लोग आज इनकी डिमांड पे यहाँ पे भाई ने झोल मोमो भी बना लिया इनके लिए, ये देखो इधर स्पेशल झोल मोमो बन गए इनके लिए आज, ये लो जी झोल मोमो बना रहे मैंने आज घर वालों की डिमांड पे, बैक टू स्कूल की पार्टी है प्रियांशी की, प्रियांशी बोले पापा आज पार्टी उठी थी घर में, मैंने चलो आज सबको खुश करता हूँ मोमो बना दो झोल मोमो, देखो प्रियांशी गाइस जब स्कूल भी खुलने वाला है बच्चों का, कल से स्कूल है, ब्लॉग पर से थोड़ा लेट आएगा आपको, ये देखो मम्मी लोग झोल मोमो खिला दे प्रियांशी, ये लोग नेपाल स्पाइस में झोल मोमो खा, घर में अब तो ये रेस्टोरेंट है पक्का, लो भाई तुम्हारे डिमांड पे झोल मोमो भी आ गए तुम्हारे लिए, लोगों ने तो खा लिया है पास्ता और मोमोज, हमें तो बहुत बढ़िया लगा, हमारा तो पेट भर गया फुल, और यहाँ पे अब देखो चाचा मामा इन लास्ट में बना के अब ये खा रहे हैं कैसा लग रहा है बढ़िया आपने याद का जबरदस्त गाइस मोमो आज बहुत जबरदस्त मजा आ गया, कैसा लग रहा है मामा? जबरदस्त झोल मोमोज, व्हाइट सॉस पास्ता और वेज मोमोज, चिकन मोमोज भी है, हमने ये खाना रेस्टोरेंट में जाना था, हम बड़ी फैमिली है तो कम से कम 400-500 का बिल बना था, घर में आराम से $50 में पूरा प्रोग्राम और खाना पीना मस्त, जी भर के जितना खाना हो जबरदस्त हो गया, सो ऑलराइट गाइस आज का ब्लॉग करते हैं हम यहीं पे एंड, तो आज आप लोगों ने देख लिया आज हमने बनाए थे घर पे फर्स्ट क्लास मोमो और पास्ता, जो कि मैंने नहीं बनाए थे वो भाई ने बनाए थे, क्योंकि भाभी और रेनू कर रहे थे घर बाहर जाने की डिमांड, तो भाई ने बोला क्यों बाहर जाना आज मैं तुमको खिलाता हूँ घर पे जबरदस्त मोमो, तो काफी मजा आया ना बच्चे लोगों ने, काफी मजा आया ना प्रिया प्रियांशी, जबरदस्त मजा आएगा जिन लोगों ने खाया, क्योंकि हम लोग थोड़े लोग कम खाते, पर आज फिर भी हमने खा लिया, तो मोमो तो आप लोगों को पता ही है दोनों मोमो भी और पास्ता भी थोड़ा हैवी होते हैं, इसलिए हैवी हो रखा, मैं तो जाऊंगा अभी बाहर वॉक करने के लिए थोड़ी देर के आधा घंटे के लिए, अब ये लोग सब सो चुके हैं, आज हमने झटपट खा लिया खाना पीना सब, छुट्टी थी आज तो टाइम पे निबट गए तभी, इसलिए टाइम काफी, तो मैं तो जाऊंगा अभी वॉक करने के लिए, प्रिया जाएगी मेरे साथ चलेगी? तो बस ये ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, मैं और प्रिया जाएंगे वॉक पे, तो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए होगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो गाइज, हम मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।